अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है तो चैट में बताएं ताकि हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ बेंजीन वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। इसमें मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया था कि बेंजीन जो है उसके रिएक्शन इतने इजीली नहीं होते, और ज़्यादातर एडिशन की मीन एडिशन रिएक्शन देने की बजाय बेंजीन हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रही होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ग्रुप हटा के उसकी जगह दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। और आपको मैंने बताया था कल वाले लेक्चर में कि वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग पे इजीली अटैक नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रोफाइल पावरफुल होगा तो वो ही अटैक करके बेंजीन रिंग के ऊपर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको तोड़ सकता है और रिएक्शन करवा सकता है। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसका मेन जो मैकेनिज्म है और जो मेन रिएक्शन है उसको केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेना है। कल भी बताया था कि मोस्टली सारे जो भी रिएक्शंस हैं बेंजीन के वो सारे उसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपको जनरल रिएक्शन आता होगा और मैकेनिज्म आता होगा तो आपको कोई भी रिएक्शन दे दिया जाए आप उसको कर सकेंगे। सिर्फ आपने ये समझना है कि वो रिएक्शन क्या है। लाइक अगर नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन के नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि नाइट्रेशन में हमने नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। अगर हैलोजिनेशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन के नाम से पता चल रहा है कि हमने हैलोजिन ऐड करना है। इसी तरीके से अगर सल्फोनेशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन के नाम से भी अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें हमने सल्फोनिक एसिड ग्रुप की एडिशन करानी है। तो जनरल मैकेनिज्म सब में सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा कि अगर नाइट्रेशन है तो नाइट्रो ग्रुप ऐड करेंगे, अगर सल्फोनेशन है तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड करेंगे, बाकी सारा मैकेनिज्म सेम होगा। तो स्टार्ट करते हैं जनरल रिएक्शन से। सबसे पहले अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करके रिएक्शन नहीं करवा सकता। इसका मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन में सबसे पहले Fe(X)3 की प्रेपरेशन बताई गई है, आयरन ट्राइहैलाइड की प्रेपरेशन बताई गई है। ये Fe(X)3 अभी हम जो पहला रिएक्शन स्टडी करेंगे ना वो हैलोजिनेशन का रिएक्शन है, मींस हमने बेंजीन के अंदर करवानी है हैलोजिन की एडिशन। तो जब बेंजीन में हैलोजिन की एडिशन करवाई जाती है उसमें हम Fe(X)3 को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है इसमें हमने आयरन में हैलोजिन की एडिशन कराई और Fe(X)3 कैटलिस्ट बना। अब अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है अगर तो वो वीक है तो वो तो रिएक्शन नहीं कर सकता, इसलिए हमें उस वीक इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करना होगा। और जितने भी हमने रिएक्शन स्टडी करने हैं बेंजीन के, उन सब रिएक्शन में आपने रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक रिएक्शन लिखना है जिस रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इसके बाद हम उसको बेंजीन पर अटैक करा के रिएक्ट करवा के रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन है, इसको प्लीज केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सबसे पहले आयरन में हमने हैलोजिन की एडिशन करा के Fe(X)3 बनाया जो कि एक कैटलिस्ट है, हैलोजिनेशन में यूज होता है। अगर तो हम इस आयरन ट्राइहैलाइड में देखें कि मजीद हम हैलोजिन ऐड, दूसरे रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि इसी Fe(X)3 में एक और X2 की एडिशन कराई गई है। X2 बेसिकली होता है XX, ये हमारे पास दो हैलाइड होते हैं। अब जब इस Fe(X)3 में X2 ऐड करेंगे तो इस X2 में से एक X3 में ऐड हो जाएगा जो Fe के साथ है, जो पहला रिएक्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा Fe(X)4-, और साथ में एक हैलाइड बच जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक्स पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिएगा ये दो प्रोडक्ट बने हैं। अब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर इन दोनों को यूज़ करना है। पहले स्टेप में एक को यूज़ करेंगे, दूसरे स्टेप में दूसरे को यूज़ करेंगे। तो
हम जो भी रिएक्शन बेंजीन की प्रेपरेशन का या बेंजीन का रिएक्शन किसी के साथ स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हमें बेंजीन में रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अपना इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है। और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट्स मीन के ये जो हमारा X पॉजिटिव है, दिस इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। वीक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, हमने इसको पावरफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम बेंजीन के ऊपर इसका अटैक करवा सकें। तो पहला स्टेप, जब भी रिएक्शन आप कोई भी लिखेंगे उसमें पहला स्टेप हमेशा होगा प्रेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जैसे इस रिएक्शन में हमने देखा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास प्रिपेयर हो गया, हमने अब इसी इलेक्ट्रोफाइल में बेंजीन की एडिशन करा दी है। मीन हम बेंजीन के अंदर एक्स पॉजिटिव ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब प्रोडक्ट में देखेगा कि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड था, मीन्स कि जो हम रिएक्शन स्टडी करते हैं अल्किन्स के या अल्काइन्स में, उसमें जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं वो रिएक्शन डबल बॉन्ड टूटने की वजह से होते हैं। मीन्स के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से डबल बॉन्ड बना हुआ होता है, वो टूट जाता है। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे और हमारे पास यहाँ से, प्लीज़ इन स्टेप्स को केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि आगे यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है तो जिधर मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है वहाँ पर तो एक बॉन्ड बना हुआ है, इट्स मीन वहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब जब हमने इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ अटैच कराना है तो आपको जो प्रोडक्ट बना हुआ नज़र आ रहा है उसमें दो बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, एक बॉन्ड मैंने इसमें से रिमूव कर दिया, ऐसी है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, यहाँ पर जो रिएक्टिव में बेंजीन थी उसमें जो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे थे, अब वो बॉन्ड ये बना लेगा एक्स के साथ। मीन्स हमने डबल बॉन्ड तोड़ा और वो डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन थे वो अब कार्बन बना लेगा एक्स के साथ बॉन्ड। एक बॉन्ड टूट रहा है, उसकी जगह जो दूसरा बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, इस वजह से हमने जो रिंग के अंदर वाला बॉन्ड था उसको तोड़ दिया। अब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन उधर ही प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन ओपन करके इसलिए लिखा गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो पहले रिएक्शंस पढ़ाए थे उसमें मैंने बताया था कि एक ग्रुप तब ही आके सब्स्टिट्यूट होता है जब एक हाइड्रोजन हम इसमें से निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन तो अभी नहीं निकाला, यहाँ पर तो हमने जो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड तोड़ के उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर ली है। इस वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अभी उधर ही मौजूद है, इसलिए हम उसको ओपन करके ज़रूर लिखेंगे। अब अगर आप देखें वो कार्बन जिसके साथ एक्स भी लगा हुआ है और जिसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, अगर आप काउंट करें उस कार्बन के चार बॉन्ड तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन जो उससे नीचे वाला कार्बन है उसके चार बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, इसलिए यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी बैलेंस नहीं है, इसमें सारे कार्बन अभी बैलेंस नहीं हुए, ठीक है। ये हमारे पास मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म में पहला स्टेप यही होता है कि आपने जो भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है रिंग में, सबसे पहले वो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा रिंग पे, खुद को अटैच करवा लेगा, इसके बाद आपने इसी तरीके से नीचे वाले कार्बन पे पॉजिटिव साइन लगा देना। अब सेकेंड स्टेप आएगा, सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि ये बेंजोनियमाइन बन गया हमारे पास। अब सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास दूसरा ऊपर वाले रिएक्शन में दूसरा प्रोडक्ट बना था ना, मैंने आपको बताया कि हमने दोनों को यूज़ करना है, एक्स पॉजिटिव को भी यूज़ करना है और एफ ई एक्स फोर को भी। एक स्टेप में हम एक को यूज़ करेंगे, दूसरे स्टेप में हम दूसरे को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर अब ऐड करेंगे एफ ई एक्स फोर को, और याद रखिएगा आप यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि हम पहले स्टेप में कौन सा ऐड करेंगे, तो हमेशा एफ ई एक्स फोर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा हम पहले स्टेप में वो ऐड करेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें हम एफ ई एक्स फोर की एडिशन कराएंगे, एफ ई एक्स फोर नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा,
FeX4 नेगेटिव है, तो यहाँ पर FeX4 नेगेटिव से हमारे पास नेक्स्ट ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा? यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ था, जो बेंजोनियम आयन में मैंने कहा था कि अभी हाइड्रोजन रिमूव इसमें से नहीं हुआ, अब हमने वो हाइड्रोजन दूसरे स्टेप में इसमें से रिमूव करा। जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन किधर जाएगा वाला? FeX4 है, नेगेटिव चार्ज था उसके ऊपर, तो वो नेगेटिव H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो ये X4 में से एक X लेकर बनवा देगा HX, और पीछे हमारे पास रह जाएगा FeX3। तो हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया X के साथ, तो हाइड्रोजन जाने से पहले आपको नज़र आ रहा है एरो लगा हुआ है, हाइड्रोजन जाने से पहले वो इलेक्ट्रॉन जो उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ किए हुए थे वो रिंग में दे जाएगा। लाइक आप देख सकते हैं कि रिंग में एक बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वो लेस है, तो जब हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो हाइड्रोजन जाने से पहले अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में ट्रांसफ़र कर जाएगा और रिंग के अंदर तीन डबल बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और एक्स जो है वो रिंग के साथ अटैच रह जाएगा। अब जो आपने आगे रिएक्शन स्टडी करने हैं, सब रिएक्शन में यही स्टेप, यही दो स्टेप यूज होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? अगर आप नाइट्रेशन कराने वाले हैं तो एक्स की जगह जो इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसकी जगह आप NO2 ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है? बाकी सारा मैकेनिज्म इसी तरीके से होगा कि पहले ऐसे ही आके NO2 ग्रुप साथ अटैच हो जाएगा, नीचे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसी तरीके से फिर आपने जो इलेक्ट्रोफाइल प्रेपरेशन में दूसरा प्रोडक्ट बनाया उसको सेकंड स्टेप में ऐड करते हुए आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर स्टार्ट में जो बेंजीन रिंग थी और जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बना, इसमें देखिएगा क्या डिफरेंस है। बेंजीन रिंग के साथ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ था, लेकिन जो हमारा लास्ट पे प्रोडक्ट आया है उसके साथ एक्स सब्स्टिट्यूट हो गया, और एक्स सब्स्टिट्यूट करवाया हमने कैसे? हाइड्रोजन हटा के। पहले स्टेप में तो हाइड्रोजन नहीं हमने रिमूव कराया, लेकिन दूसरे स्टेप में तो हाइड्रोजन हमने रिमूव करा दिया है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और उसकी जगह दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक ग्रुप हटा के उसकी जगह पर दूसरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवा दें। तो ये जनरल इसका मैकेनिज्म था कि इस तरीके से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है हैलोजिनेशन। आपकी बुक में एक और इसी से रिलेटेड रिएक्शन गिवन है, जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताया है बिल्कुल सेम ही है, और इससे पहले उन्होंने एक बार डिस्कस की हुई है कि बेंजीन रिंग जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देती जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देती, क्योंकि एडिशन रिएक्शन बेंजीन में जब होते हैं, इसका मतलब है एडिशन रिएक्शन करवाते वक्त बेंजीन की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मीन्स जब बेंजीन में एडिशन रिएक्शन होगा तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने के बाद स्टेबल नहीं रहेगी, तो इस वजह से बेंजीन में एडिशन रिएक्शन फेवरेबल नहीं होते। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन में करवाया जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसकी स्टेबिलिटी वैसे की वैसे ही रहती है, क्योंकि एंड पे तो हमारे पास उसी तरह बेंजीन आ रही होती है, जस्ट हम हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पर एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। तो याद रखिएगा कि बेंजीन में एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होते, क्योंकि एडिशन रिएक्शन से बेंजीन की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस वजह से इसमें होते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन की स्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद नीचे जो आपकी बुक में एक और रिएक्शन गिवन है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, मीन जनरल रिएक्शन की तरह ही है। तो अभी आप इसके दो तीन रिएक्शन स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? आप लोग इतने सारे रिएक्शन स्टडी करके आ चुके हैं अब तो आपको हैलोजिनेशन का टर्म क्लियर हो गया होगा। हैलोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हैलोजिन। हैलोजिन में हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो क्लोरीन है और ब्रोमीन है ज़्यादातर उनकी एडिशन करवाई जाती है, क्योंकि इनके जो रिएक्शन होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस पे हो रहे होते हैं, जबकि फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और विग्रस रिएक्शन होता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए फ्लोरीन को यूज़ नहीं किया जाता। और आयोडीन जो है इसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, इस वजह से आयोडीन को भी प्रेफर नहीं किया जाता। तो आपने हैलोजिनेशन में याद रखना है कि मोस्टली हैलोजिनेशन में हम क्लोरीन या ब्रोमीन को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस पे हो रहे होते हैं। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करानी है बेंजीन रिंग में हैलोजिन की। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में हमने ब्रोमीन को यूज़ करना है। अभी मैंने आपको बताया कि हम या क्लोरीन यूज़ करेंगे या फिर ब्रोमीन यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका सारा मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा जैसे मैंने अभी आपको जनरल रिएक्शन बताया। तो जब हम इसमें ब्रोमीन की एडिशन कराएंगे तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे FeBr3। अभी हमने जो जनरल रिएक्शन स्टडी किया उसमें हमने FeX3 लिखा था। X3 का मतलब है कोई भी हम हैलोजिन ले सकते हैं, हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, हम क्लोरीन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो ब्रोमिनेशन में हम यूज़ करेंगे FeBr3। इसके बाद ये हमारे पास इसका जनरल रिएक्शन है। अभी हम मैकेनिज्म नहीं देख रहे, ये हमारे पास सिर्फ जनरल रिएक्शन है। तो यहाँ पर Br2 है, इसका मतलब है हमारे पास दो Br है। तो एक Br तो आके रिंग के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और जो दूसरा हमारे पास, ये दो Br थे हमारे पास, एक Br रिंग के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब अभी आपको मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन तब होगी जब रिंग में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। इट्स मीन कि यहाँ पर हम अगर ब्रोमीन लगा रहे हैं तो हमें एक हाइड्रोजन भी इसमें से रिमूव कराना होगा। वो हाइड्रोजन जब हम इसमें से रिमूव कराएंगे तो वो दूसरे Br के साथ कंबाइन होकर बना देगा HBr। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन था, अभी हम इसका नेक्स्ट लाइन में मैकेनिज्म भी देखते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन को यूज़ कर रहे हैं तो बेंजीन में हम Cl2 को जब ऐड करते हैं, तो पहले रिएक्शन में तो हम FeBr3 को यूज़ कर रहे थे क्योंकि वो ब्रोमिनेशन वाला रिएक्शन था, लेकिन यहाँ पर हम FeCl3 को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम करवा रहे हैं क्लोरीनेशन। अब इसमें भी बिल्कुल वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कि Cl2 है तो हमारे पास एक जो Cl है वो रिंग के साथ आके अटैच हो जाएगा। दो Cl थे, एक Cl रिंग के साथ आके अटैच हो गया। अब जब ये रिंग के साथ अटैच होगा, इट्स मीन कि हमें रिंग में से एक हाइड्रोजन हटाना होगा, और वो हाइड्रोजन जब हम हटाएंगे तो वो HCl की फॉर्म में फिर से रिमूव हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसका जनरल रिएक्शन था। जब भी आपको पूछा जाए कि हैलोजिनेशन लिखें या सल्फोनेशन रिएक्शन लिखें, तो सबसे पहले आपने ऊपर इसकी हेडिंग देनी है जनरल रिएक्शन की। इसके बाद आपने जनरल रिएक्शन में ये मेन रिएक्शन लिखना है, और देन आपने इसका मैकेनिज्म लिख देना। तो अब हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहला स्टेप इसमें हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफाइल की प्रेपरेशन। जैसे अभी मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताया था, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। इसमें देख लें FeX3 है, मींस ये वो कैटलिस्ट है जिसने हैलोजिनेशन वाले रिएक्शन को कैटलाइज करवाना है। तो जब हम FeX3 में X2 की एडिशन कराएंगे, प्रोडक्ट में हमारे पास FeX4 नेगेटिव और 7X पॉजिटिव बन जाएगा। ये वही जनरल रिएक्शन है जो अभी हम प्रीवियस स्लाइड में देख के आए हैं, मीन्स इसमें X के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो X हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, और जो दूसरी स्पीशी है हमारे पास वो बेस के तौर पे अपना फंक्शन प्ले करेगी। अब हम इसी रिएक्शन को देखते हैं क्लोरीनेशन के टर्म में। अब आप दूसरे रिएक्शन में डिफरेंस देख सकते हैं कि कहाँ पर डिफरेंस आया है। पहले वाले में हम एक्स लिख रहे थे, एक्स तो जनरल था, अब हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो एक्स की जगह हम लिखेंगे Cl। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट बने हैं कि FeCl3 था, इसमें एक Cl ऐड हुआ तो ये बन गया FeCl4 और साथ में Cl पॉजिटिव। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में एक Cl पॉजिटिव बना और एक FeCl4 नेगेटिव बना। हमने इसमें से जो ये हमारे पास Cl पॉजिटिव है, इस Cl पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ऐड कर दिए, मतलब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। सबसे पहले हमने पॉजिटिव वाले को ऐड करना है मैकेनिज्म के अंदर, तो ये हमारे पास Cl पॉजिटिव ऐड हुआ बेंजीन रिंग में। इसके बाद हमने देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब देखिएगा सेम वही स्टेप है जो मैंने आपको जनरल मैकेनिज्म के अंदर बताए, सेम वही स्टेप यहाँ पर भी होंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा।
सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड था उसका अटैक हुआ और यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट में नज़र आ रहा है कि एक बॉन्ड मैंने रिमूव कर दिया, मतलब रिएक्टर में हमारे पास तीन बॉन्ड थे लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास एक बॉन्ड रिमूव हो गया। इसका मतलब है कि वो बॉन्ड हमने इस वजह से रिमूव किया है कि वहाँ पर दोनों कार्बन ने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया हुआ था, अब यहाँ पर सी एल आर के अटैच हो जाएगा। उसी तरीके से हाइड्रोजन को ओपन करके लिखेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन अभी हम रिमूव नहीं करा रहे, हमने तो सिर्फ रिंग में से एक बॉन्ड ख़त्म करके उसकी जगह पे सी एल लगाया और नीचे वाला जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। ऊपर वाले कार्बन के तो चार बॉन्ड पूरे हो गए हैं लेकिन नीचे वाले कार्बन की अभी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, दैट्स वाई हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे। यहाँ तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने जो दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट आया था ऊपर वाले रिएक्शन में FeCl4- उसको ऐड कराना है यहाँ पर। जब हम FeCl4- को ऐड करेंगे तो FeCl4 यहाँ पर फंक्शन प्ले करेगा बेस के तौर पे। बेस वो स्पीशी होती है जिसने प्रोटॉन लेना होता है, एसिड वो स्पीशी होती है जिसने प्रोटॉन देना होता है। तो यहाँ पर इस FeCl4 ने जो हमारा प्रोडक्ट बना था उसमें से प्रोटॉन लेना ही है, इसलिए यहाँ पर ये बेस के तौर पे फंक्शन करेगा। तो हमारे पास ये FeCl4 ये हाइड्रोजन ले लेगा क्योंकि ये बेस के तौर पे फंक्शन कर रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में HCl सेपरेट हो जाएगा क्योंकि FeCl4 था तो FeCl4 में से एक Cl H के साथ HCl की फॉर्म में रिमूव हो गया और पीछे हमारे पास रह गया FeCl3। अब जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो जाने से पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस रिंग को दे जाएगा, तो रिंग में वो बॉन्ड जो पहले हमने रिमूव कराया हुआ था जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ था, जब रिंग को वापस वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इस रिंग के अंदर तीनों बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और यहाँ पर इसके साथ Cl रह जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास जो रिएक्टेंट था उसमें सिर्फ बेंजीन रिंग थी, जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है इसमें Cl की सब्स्टिट्यूशन हो गई है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था और जिसमें हमने बेंजीन में हेलोजिन की सब्स्टिट्यूशन करवाई है। अगर आपको पूछा जाए कि ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाते हैं तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्लोरीन की जगह ब्रोमीन को यूज़ कर लेंगे। मीन्स जहाँ जहाँ पर हमने क्लोरीन को यूज़ किया है आप वहाँ वहाँ पर ब्रोमीन को यूज़ करते हुए इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आता है कि अगर हमारे पास अल्काइल बेंजीन है, अल्काइल बेंजीन कौन सी बेंजीन होती है? ऐसी बेंजीन जिसमें अल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं बेंजीन के साथ, मतलब अगर हमारे पास अल्काइल बेंजीन है और उनको हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ट्रीट कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? इसको आप मार्क कर लें, दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है टॉल्वीन, बेंजीन के साथ सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये हमारे पास टॉल्वीन है और आपको पता है कि ये अल्काइल ग्रुप है, जो सी एच थ्री ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है दिस इज मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप। अब जब हमने इस अल्काइल ग्रुप में क्लोरीन की एडिशन करवानी है, क्लोरीन को मैंने ओपन करके लिख लिया, बुक में इसको दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए ओपन करके लिख लें ताकि प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जब हमने टॉल्वीन के अंदर क्लोरीन की एडिशन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। अब ये बेंजाइल क्लोराइड कैसे बना है हमारे पास? यहाँ पर जो CH3 में CH3 है, इट्स मीन के इसके पास तीन हाइड्रोजन है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन और Cl2 का मतलब है कि दो Cl हैं, तो यहाँ से एक Cl HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा तो पीछे हमारे पास रह जाएगा CH2 और साथ में Cl। तो सिंपल, यहाँ पर पहले स्टेप में HCl की रिमूवल करवा दी हमने, इसके बाद हमारे पास बच गया बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड में नज़र आ रहा है कि अभी भी दो हाइड्रोजन बाकी हैं, इसका मतलब है कि हम इसमें मज़ीद क्लोरीन ऐड करवा के HCl को रिमूव करा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने बेंजाइल क्लोराइड के अंदर दोबारा से Cl2 की एडिशन करानी है, इसी तरीके से सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो
तो प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा बेंजिल क्लोराइड। अब इनके नेम्स में एक फ़र्क आ रहा है कि एक हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है बेंजाइल क्लोराइड, दूसरा हमारे पास बन रहा है बेंजिल क्लोराइड। तो पेपर में इनके प्रोडक्ट से नेम, मतलब प्रोडक्ट का नेम लिख के पूछा जाता है कि बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है या बेंजिल क्लोराइड क्या होता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बेंजाइल क्लोराइड में CH2Cl ग्रुप लगा हुआ है, जबकि बेंजिल क्लोराइड में CHCl2 ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें CHCl2 ग्रुप हमारे पास कैसे रह जाता है? सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl, एच सी एल के फॉर्म में रिमूव हो गया, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा CH और साथ में दो Cl बचे हुए थे, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा CHCl2। तो इस तरीके से हमारे पास बन गया बेंजिल क्लोराइड। अब बेंजिल क्लोराइड में भी आपको नज़र आ रहा है कि अभी भी एक हाइड्रोजन बच गया, इट्स मीन कि हम एक थर्ड स्टेप में दोबारा से Cl2 की एडिशन करा सकते हैं और एक Cl को रिमूव करवा सकते हैं। तो हम थर्ड स्टेप में इसी बेंजिल क्लोराइड के अंदर दोबारा से क्लोरीन को ऐड करेंगे, रिएक्शन अगेन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा और हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये तीन डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन तीनों प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये तीनों जो है वो डिफरेंट नेम है, ठीक है, लेकिन है एक ही चीज़ से, मतलब एक ही स्टेप के थ्रू हम इनमें क्लोरीन की एडिशन करवा करवा के प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से फिर H, यहाँ से Cl, HCl की फॉर्म में हो जाएगा रिमूव और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के साथ CCl3 बन जाएगा। इसका मतलब है कि अब जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट में कोई H नहीं रह गया, मीन्स हमने सारे स्टेप बाय स्टेप इसमें से रिमूव करा दिए हैं, इसलिए हमारा रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और फर्दर प्रोडक्ट हमें नहीं देगा। तो हमारे पास लास्ट पे जो प्रोडक्ट बन जाता है इसको हम बोलते हैं बेंजो ट्राई क्लोराइड। इसके बाद जैसे अभी हमने हैलोजिनेशन रिएक्शन स्टडी किया है, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास सेकेंड रिएक्शन आता है नाइट्रेशन रिएक्शन। अभी आपको बताया था कि अगर आप जनरल मैकेनिज्म याद कर लें तो बाकी सारे रिएक्शन के अंदर वही मैकेनिज्म यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, अगर हैलोजिनेशन है तो हमने हैलोजिन की एडिशन करानी है, अगर नाइट्रेशन है तो NO2 ग्रुप की एडिशन करानी है, अगर सल्फोनेशन है तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप की एडिशन करवानी है। तो सबसे पहले नाइट्रेशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि नाइट्रेशन में हमने किस ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करानी है। नाइट्रेशन मीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग, कि जब हम बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह NO2 ग्रुप लगा देंगे तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। पहला स्टेप इसमें भी सेम है कि हमने इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन करके फर्दर प्रोडक्ट नहीं बना सकता, इसलिए हमें पहले इलेक्ट्रोफाइल को पावरफुल फॉर्म में चेंज करना है ताकि वो रिएक्शन करवा सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इसमें आ गया जनरल रिएक्शन, इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो हमने मैकेनिज्म के अंदर यूज़ करना है। जनरल रिएक्शन में हमने बेंजीन में नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, जब हम नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे कंडीशंस यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हुए हमने ये रिएक्शन करवाना है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये NO2 ग्रुप कैसे HNO3 ग्रुप में से हमारे पास आया। HNO3 का बेसिकली मतलब होता है HONO2, मतलब HNO3 को मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया है कि HNO3 का HNO3 में बेसिकली यही होता है हमारे पास कि H होता है, साथ N है और साथ में तीन ऑक्सीजन है। तो अगर आप इसी HNO3 को HONO2 की फॉर्म में लिख दें तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि इसमें NO2 ग्रुप है। तो यहाँ से ये जो NO2 ग्रुप था HNO3 में, ये NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब जब हमने ये ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूट करवाना है तो पीछे HNO3 में HO बचा हुआ था, वो HO और जो रिंग में से एक हाइड्रोजन निकलेगा ये मिलके आपस में बना देंगे वाटर और हमारे पास प्रोडक्ट भी वाटर सेपरेट हो जाएगा।
और बेंजीन में NO2 ग्रुप आपके सब्सिट्यूट हो जाएगा। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आपको कोई रिएक्शन पूछा जाए, सबसे पहले आपने लिखना है जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में आपने कुछ नहीं मैकेनिज्म के रिलेटेड बताना, सिर्फ आपने अगर नाइट्रेशन करानी है तो बेंजीन में NO2 ग्रुप ऐड कर दी, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरी हेडिंग देनी है मार्कर से मैकेनिज्म, उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। और मैकेनिज्म के अंदर प्लीज आप लोग एरो जरूर लगाया करें, क्योंकि मैकेनिज्म का मतलब ही ये होता है कि हमें वो रूट्स के बारे में बताए कि रिएक्शन में क्या चेंजेस आए हैं, कौन सा बॉन्ड टूटा है, कहाँ पे न्यू बॉन्ड बन रहा है। इसलिए मैकेनिज्म में एरो मस्ट यूज किया करें। तो जनरल रिएक्शन हमने लिख लिया, इसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसमें बनाना है अपना इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए देखिएगा यहाँ पर जो दोनों चीज़ें रिएक्टेंट्स में लिखी हैं मैंने, वो क्या है। आपने भी पीछे जनरल रिएक्शन देखा था, जनरल रिएक्शन में एक तो HNO3 था और दूसरा एरो के ऊपर लिखा हुआ था सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों वही चीज़ें आपस में रिएक्शन करेंगी और हमारे पास प्रोडक्ट में बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज पिशी बन रही है और एक पॉजिटिवली, NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि HSO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि हमने पहले स्टेप में NO2 पॉजिटिव को यूज़ करना है, NO2 पॉजिटिव का हम अटैक करवाएंगे। तो हमारे पास सेम उसी तरीके से NO2 के ऊपर जब डबल बॉन्ड का अटैक होगा तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, उसी तरीके से रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही ये मैकेनिज्म प्रोसीड कर रहा है, सिर्फ एक्स की जगह अब हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, NO2, क्योंकि ये नाइट्रेशन रिएक्शन है और अगर हैलोजिनेशन होता तो यहाँ पर हम एक्स लगाते। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमारी नेगेटिवली चार्ज पिशी है जो कि बेस के तौर पर एक्ट कर रही है, हमने इसी प्रोडक्ट के अंदर इस नेगेटिवली चार्ज पिशी की एडिशन करानी है। अब इस स्पीशी ने प्रोटॉन ले लेना है क्योंकि ये बेस है और बेस वो स्पीशी होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये प्रोटॉन को ले लेगी और हमारे पास प्रोडक्ट में बन जाएगा H2SO4, क्योंकि HSO4 था ना, जब उसमें एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा H2SO4 और हाइड्रोजन जाने से पहले इलेक्ट्रॉन रिंग में वापस ट्रांसफ़र कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन, के बेंजीन के साथ NO2, बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप सब्सिट्यूट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन फाइनल प्रोडक्ट में बन जाएगी। यहाँ तक जितने भी रिएक्शंस आज आपको करवाए हैं, आगे भी जो रिएक्शन आ रहे हैं उनमें सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। अगर आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को उनमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की प्रेपरेशन का रिएक्शन याद करना पड़ेगा, बाकी सारे स्टेप्स याद नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ तक जितना पढ़ाया आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यस, आज आपकी लास्ट क्लास है, बाकी इंशाल्लाह कॉलेज ओपन होंगे तो हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।